तो गाइस आज हम लोग जाएंगे थॉर के पास्ट में और लेंगे उससे ट्रेनिंग ताकि उसकी मदद कर सके उसके दुश्मनों से लड़ने में और जान सके उसके जिंदगी के बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार इतनी कड़कती धूप में नहाने का मजा ही कुछ और है। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़ा रगड़ रगड़ के नहाना, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाए हो। अरे नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ जल्दी से बाहर आ जाओ। और ऐसा क्यों? नहीं तो पानी काला हो जाएगा। अबे पागल कुत्ते मेरा कलर थोड़ी ना छूटता है। अच्छा ऐसा क्या? अबे यार अभी ये किसका फोन आ रहा है, जल्दी से जाके उठाता हूँ। पता नहीं कौन होगा, ये तो टोनी है। जल्दी से उठाता हूँ फोन को। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोल टोनी, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। पर हुआ क्या? एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। होने वाली है? अरे तुम बस यहाँ पर आ जाओ, मैं फोन पे नहीं समझा सकता। अच्छा ठीक है बाबा, शिनचैन चौप अपने को निकलना पड़ेगा। अरे पर कहाँ पर? वो सब मैं रास्ते में बताता हूँ, फिलहाल तो चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ। अबे शिनचैन बैठना यार। अरे बैठ रहा हूँ ना। अब ये कुत्ता कहाँ पर रह गया? चौप। अरे रुको रुको आ रहा हूँ, अब चलो। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। अरे पहले बता तो दो कि हुआ क्या है? टोनी का फोन था, बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे होने वाली है, हुई थोड़ी ना है। तो हम लोग क्या इंतजार करेंगे होने का? अरे पर होने क्या वाला है? वो तो जॉब अब मुझे भी नहीं पता। तो आपको पता क्या होता है? फिलहाल कुछ देर के लिए अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मुझे इतना पता है कि दोनों को बहुत मारूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं तो चुप्पी बैठा था, ये चौपी बोल रहा था। अरे मैं क्या बोला कुछ भी? मुझे पता है कौन बोल रहा था कौन नहीं बोल रहा था। वैसे भी हम लोग पहुंचने आए। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को यहीं पे लगा दो। ठीक है मालिक। तो गाइस अभी फटाफट उतरते हैं और जाते सीधा अंदर। जल्दी जल्दी आ जाओ। ये रहा टोनी। अच्छा वो फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर आ गए। अरे पर हुआ क्या है हमें भी तो बताओ। हाँ हाँ अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं बताता हूँ, यहाँ पर हेल आने वाली है और वो पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर देगी। अरे क्या बात कर रहे हो? लॉस सैंटोस को तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। हल्क उसको छोड़ेगा नहीं। नहीं हल्क तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका तो मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात कर रहा है थॉर, अब तू मेरे को डरा रहा है। अरे तो हम लोग उसको रोकेंगे कैसे? उसका बस एक ही रास्ता है, हमें पास्ट में जाके हेला को रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो और ताकतवर बने। पर तुम्हें मेरे पास्ट में जाना पड़ेगा और मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम बचाएंगे लॉस सैंटोस को ताकि हेला उसको बर्बाद ना कर सके और जाएंगे थॉर के पास्ट में। अरे भाई साहब फिर से नहीं। गाइस यार बहुत जोर से गिरने वाले हम लोग। उत्तरी क्या लगी है, एक छोटे बच्चे को इतना ऊपर से कौन फेंकता है? वैसे हम लोग है कहाँ पर? ऐसा लग रहा है मैं समुद्र के बीचों बीच हूँ और लहरें काफी ऊंची ऊंची है। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। एक मिनट, वहाँ पर कोई है, उनसे जाके बात करता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे भाई साहब छोटी छोटी टांगों से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई। अरे अंकल आप हो कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है? अल्लाह बेटा हमको भी नहीं मालूम, हम तो ससुरा घूमने आया था, उसके बाद अचानक से तूफान आ भी गया। तो ये शिप का कैप्टन कहाँ पर है? अरे वो तो निकम्मा डर के मारे पानी में कूद गवा। क्या बात कर रहा है, हमका तो समझ ही नहीं आवत है हम क्या करी। भाई साहब ये तो अलग ही गड़बड़ हो गई। गाइस अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अरे कछु तो करो, हमका रोना आ रहा है। कैसा आदमी है, बच्चे को बोल रहा है कुछ करने। पर छोड़ो गाइस क्या ही कर सकते हैं, डर के मारे आदमी से कुछ भी हो जाता है। एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। टूटा हूँ तो क्या हुआ, चलाना तो आता ही है मुझे। लहरें तो गाइस काफी ऊंची ऊंची उठ रही है और चारों बाजू ऐसा माहौल छाया हुआ है जैसे तूफान बहुत जोर का आने वाला है। कैसे भी करके धीरे धीरे चलाते हैं। ओ भाई साहब ये क्या गाइस, यहाँ पर तो एक टोर्नेडो है। अरे बछुआ ये क्या कर रहे हो, उस तरफ काहे ले जा रहे हो, किनारा उस तरफ है। अरे ले नहीं जा रहा, वो अपने आप ही जा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं सुबह सुबह कौनों का मुँह देख के आया था मैं, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी तो। रोना बाद में, फिलहाल तो संभल के क्योंकि हम लोग जल्दी तूफान में जाने वाले। गाइस यार वाट लग गई। गए भाई साहब। अबे ये क्या हो रहा है, बच्चे की जान लोगे क्या? गाइस यार ये टोर्नेडो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हम लोग क्या थॉर की मदद करेंगे, अपनी मदद करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। मेरी तो जबरदस्त फट रही है, क्या करूँ क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना जोर जोर से घुमा रहा है एक तो ये, कहीं यही पे खत्म ना हो जाए हम लोग। गाइस यार मुझे तो चक्कर आ रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ पर आप लोग एक चीज कर सकते हो, इससे पहले मैं मरूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ये बवंडर तो बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो जो कोई भी हो मुझे उसे जाके बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। पता नहीं वो इतने बड़े तूफान में कहाँ पर होगा, मुझे उसे कैसे भी ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ इसके अंदर जाता हूँ, कोई है यहाँ पर तो मुझे आवाज दो, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई है यहाँ पर, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मुझे महसूस हो रहा है वो यही कहीं पे होना चाहिए। कहा गया। चलो फाइनली वो मुझे मिल ही गया, जल्दी से इसे बाहर लेके आता हूँ। ये तो एक छोटा सा बच्चा है, चलो ये अच्छी बात है कि मैंने इसे बचा लिया। मुझे इस तूफान को भी शांत करना पड़ेगा, जल्दी से करता हूँ, पता नहीं ये तूफान किस साइड से आया होगा। चलो फाइनली मैंने इसे शांत कर ही दिया, अब थोड़ी देर में ये हाथ से चला जाएगा। ये मैं नीचे उतर गया। बच्चे तुम अभी उतर सकते हो? नहीं भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं ऊपर ही बैठेगा। तुम्हारी आवाज इतनी बड़े जैसे क्यों लग रही है? वो ऐसे ही। वो सब छोड़ो और अभी कभी उतरो। अच्छा ठीक है भाई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मम्मी पापा? अब वो तो मुझे भी नहीं पता। गाइस यार पता नहीं मम्मी पापा होंगे भी या नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये चीज अभी नहीं पर बाद में तेरे को समझेगी। बच्चे ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अपना घर ढूंढो और यहाँ से चले जाओ। अरे प्लीज ना मुझे अपने साथ रख लो ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अरे पर मेरी बात सुनो तो सही। फिलहाल मुझे कहीं पर जाना है, मैं तुम्हारी कोई
कोई भी बात नहीं सुन सकता। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे कैसे होते हैं। गाइस यार, थॉर ने तो अपनी बात सुनी नहीं। बिना थॉर से ट्रेनिंग लिए तो मैं हेला को हराऊंगा भी कैसे। एक काम करता हूँ, ये साइकिल लेता हूँ और फिलहाल तो यहाँ से निकलता हूँ। अबे ये कौन आ रहा है यहाँ पर? ये बच्चा, ये साइकिल मेरी है, उधर ही छोड़ दे। ओ भाई साहब, साइकिल का मालिक आ गया। जल्दी जल्दी भगाने की ट्राई करता हूँ। एक तो मेरे पैर भी नहीं पहुँच रहे, पैर तो छोड़ो गाइस, अपने हाथ भी नहीं पहुँच रहे। पर ये तो आपके भाई का टैलेंट है जो फूट फूट के बाहर निकल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ओहो, गुंडे लोग लड़की को छेड़ रहे हैं। अभी जाके इनको मजा चकाते हैं। ये तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। ये बच्चा अपने को मारेगा। जा और घर पे जाके दूध पी। हाँ यार गाइस, मैं तो भूल ही गया अपन बच्चे। भाई साहब गलत फंसे, जाता है क्या खट्टोस दो? अरे भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, बस इस लेडी को छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये ले। गाइस यार, इसने तो उसको लात मार दी। बचाओ बचाओ बचाओ, ये गुंडा मुझे मार रहा है। अब इस बच्चे को मजा चकाते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन रहा था। गाइस यार, मेरे तो दिमाग से निकल गया कि हम लोग छोटे बच्चे और अपने को तो कुछ आता भी नहीं है। इस बच्चे से मैंने घर पे जाने के लिए कहा था, ये तो दूसरी मुसीबत में फंस गया। अब मुझे जाके इसकी मदद करनी पड़ेगी। पता नहीं कहां से आया है, बड़ा ही विचित्र है। फिर तुम सब लोग वहीं पे रुक जाओ। गाइस यार, थोर आ गया अपने को बचाने। बच्चे थोड़ी देर रुक जाओ, पहले जरा इनसे थोड़ी बात कर लो। ये लो, क्या बात की है गाइस? थोड़ी और बात कर, थोड़ी और बात कर। अबे यार, मेरे साथ बात नहीं करनी थी। सॉरी बच्चे, गलती से लग गया। कोई बात नहीं, तूने बचा लिया वही सही, पर तुम अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे? अरे घर होगा तो जाऊंगा ना। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी आया नहीं हो, तुमने भेजा है। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि हेला फ्यूचर में आके सब कुछ बर्बाद करने वाली है, तो तुमने कहा कि पास्ट में जाओ और पहले उसको हरा लो। एक काम कर, मेरे साथ आओ। पर कहां पर लेके जा रहे हो? क्योंकि मैं हेला को जानता हूँ, वो बहुत ही ताकतवर है। अगर मैंने तुमसे ऐसा कहा था तो ये जरूर होगा। मुझे तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, अब हम चलने वाले हैं, चलो। ये कहां पर आ गए हम लोग? इसे तुम पहला पड़ाव समझ लो। पहला पड़ाव? हाँ वही, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। पर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार ये गलत बात है, ऐसा नहीं करने का। बता देगा तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी ना। अच्छा तो फिर भागना शुरू करो। पहला चरण यही है, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अच्छा बस इतनी सी बात है, अभी भागता हूँ। तो गाइस जल्दी से भागते हैं। एक दो एक, एक दो एक। और पता नहीं कितने दूर भाग पाऊंगा, क्योंकि हमारे पैर बहुत ही ज्यादा छोटू छोटू से है। भाई साहब यार, कब से भाग रहा हूँ, ये थॉर तो रुकने के लिए बोल ही नहीं रहा है। वो खड़ा सामने, जल्दी जल्दी जाता उसके पास। हालत खराब हो गई है, एक बच्चे को इतना कौन भगाता है? तुम खाली शरीर से ही बच्चे हो, इतना मत भूलो कि तुम फ्यूचर से आए हो। अरे पर आके तो बच्चा ही बनाओ ना, तो स्टैमिना भी तो उतना ही रहेगा। अच्छा ठीक है। गाइस यार, अभी ये कहां पर लेके आ गया? सुसाइड करवाएगा क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरी जिंदगी में सब सही चल रहा है। ये दूसरा चरण है, अगर तुम सरवाइव कर गए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो समझ लेना ये आत्महत्या ही थी। अब जाओ और टहरो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। ये गए भाई साहब। गाइस ओ भाई, क्या लगी है, सीधा पानी छाती पे लगा है। गाइस यार, खुद को देख के ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी मछली तैर रही है। अच्छा है कि मेरे को स्विमिंग आती थी। ये समुद्र तो काफी ज्यादा गहरा है। अच्छा अभी तक कोई मछली वछली नहीं मिली। मेरे को तो डर था कि कोई शार्क अगर सामने आ गए तो क्या होगा। चलो ये रहा थॉर, जल्दी से इसके पास जाता हूँ। देखा कितने आराम से कर लिया। ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब? मैं बस तुम्हें नहलाना चाहता था, मुझे पता था अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम मानोगे नहीं। अबे ये कौन सा तरीका है? अब यहाँ पर आओ, ये रहा दूसरा चरण। गाइस यार, ये कहाँ पर लेके जा रहा है? सामने तक भालू है। चिंता मत करो, ये तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। रहम नहीं खाएगा और चिंता भी नहीं करूँ? सोच समझ के तो बोल रहे ना तू, ये दिमाग में बिजली के झटके लग गए। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो वापस उन गुंडों के सामने छोड़ा। भाई कहाँ पर जा रहा है? अबे यार, ये तो यहाँ पर छोड़ के चला गया, और ये तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं कोई फीमेल भालू। और कैसे हो भालू दादा? और मुझे लगता है ये मेरे को पसंद नहीं करता। बच्चे आगे बढ़ो, ये टाइम पास का समय नहीं है। गाइस यार, ये तो अपनी तरफ आ रहा है। ओ भाई साहब, क्या बच्चे, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। ये अबे ये क्या हो गया? अबे फुटबॉल थोड़ी ना हूँ, अब तो इस भालू को छोड़ूंगा नहीं। अरे मजाक कर रहा था, तेरा भी तो कोई बच्चा होगा, थोड़ी रहम खा। लगता है गाइस इसकी शादी नहीं हुई है। ये ले, यार टांग पे मारा है मैंने, मजे ही आ गया। अब ये ले दूसरी बार। गाइस यार, क्या उड़ के गया है। खड़ा हो खड़ा हो, अब बता दो इसको। ये ले, आज तो इसको लंगड़ा कर देंगे। समझा गया, आज के बाद से घूर के मत देखना। क्या गिरा रहा हूँ मैं इसको, मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा है। मार मार हाथ से मार, इतना बेवकूफ भालू है भाई, इसका हाथ उतना ऊपर है फिर भी। और ये ले, बार बार बचे पर इसको भी मारा अपन ने। लगता है भालू दादा गहरी नींद में चले गए। तो गाइस मेरे इस साहस के लिए एक लाइक बनता है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस एक सेकंड। तो हमारा दूसरा चरण भी पूरा हुआ, अब जल्दी से जाता हूँ थॉर के पास। जल्दी से आओ बच्चे, अब आगे क्या करना पड़ेगा वो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अबे यार, ये क्या सस्पेंस से सस्पेंस क्रिएट किए जा रहा है। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, इतने खुश मत होना, मुसीबत और बढ़ने वाली है। गाइस यार ये क्या है, ये तो थॉर का हैमर है, और इसके चारों बाजू से बिजली निकल रही है भाई। वो तो निकलेगी ही, मैं गॉड ऑफ थंडर हूँ। गाइस यार कितना प्यारा लग रहा है ये हथौड़ा। ये हथौड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा सॉरी, तुम्हें उसे उठाना पड़ेगा। पर मैं इसको कैसे उठा सकता हूँ? अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करो, मुझे लगता है तुम उस काबिल हो चुके हो। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है ट्राई करके देखता हूँ। गाइस ये तो हवा में उड़ने लग गया, मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। जरा खुद को देखो। गाइस यार अपने में से भी बिजली आने लग गई। अब हथौड़े को अपने पास बुलाओ। अच्छा ठीक है ट्राई करता हूँ। आजा आजा आजा। ओ भाई साहब, गाइस यार इस
नंगू पुंगू थोर के लिए एक लाइक कर दो। अभी बार बार लाइक मांगना बंद करो, हमें दुनिया को बचाना है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मैं अपनी दुनिया बचा रहा था, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर कहाँ पर? मुझे एक जरूरी काम है। तब तक तुम जाके शहर की गंदगी साफ करो। अबे मैं कचरे वाला थोड़ी ना हूँ, मेरा मतलब क्रिमिनल्स को साफ करो। अच्छा ऐसा क्या? अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है, बाय बाय। गाइस यार थोर तो चला गया, अभी अपना टाइम है, अपना टाइम आएगा पर अपन क्या कर पाएगा मेरे को कुछ नहीं पता। क्रिमिनल्स है कहा रे तू? लॉस एंजेलिस में सब लोग सुधर गए क्या, या फिर बाद में बिगड़े थे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वैसे इस हथौड़े को लेके घूमने में काफी मजा आ रहा है। गाइस यार वो रहे दुष्ट प्राणी, अब जाके इसको मजा चखाएंगे। ये लो दो जन एक साथ, अब ये ले और अब तेरी बारी। शहर को गंदा करने वालों सावधान हो जाओ, शहर में छोटा थोर आ गया है। ये सब लोग डुएट डुएट क्यों खेल रहे हैं? पहले दो जन साथ में गए और ये दोनों एक ही साथ मार रहे थे। अब ये ले, इसकी तो पीटी टूट गई होगी। अबे नजारे क्या देख रहे हो? ये लो गाइस यार बड़ी कमाल की पावर है। अब ये ले, ये जनाब छुपके बैठे हैं। चल हट, क्या उड़ के गया है। अब ये ले थोड़ा झटका खा। और कोई बचा है क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है गाइस, मुझे लगता है सबको अपन ने ठिकाने लगा ही दिया है। अब यार अब तो रात भी हो गई, थोर कब आएगा? एक मिनट, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे को बंदूक मारेगा तू? इसको पता नहीं अपन कौन थे। अब ये ले, छोटा हो तो मेरे से डरोगे नहीं तुम लोग? ये खा। अबे डर मेरे से? मेरे पास जनता की पावर है, देख अभी सब्सक्राइब कर रही होगी। गाइस कर रहे हो ना, मैंने बोल तो दिया है। पहले इसको मजा चखाते। ये ले, और कोई है? ये रहा, ये भी गया। हट, और अब तू भी ले। और कौन बचा है? ये रहा। दोनों को एक साथ बिजली के झटके। और ये भी लो। क्या तूने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ये ले, इसको बहुत बुरा वाला लगा है गाइस। अब चलते हैं यहाँ से, मुझे लगता है यहाँ का सारा मामला निपट गया। पर थोर कहाँ पर रह गया? ओ भाई साहब, नाम लिया और हाजिर। बहुत लंबी उम्र है लौंडे की। तुमने जो बोला था वो तो मैंने कर दिया, पर अभी आगे क्या? एक मुसीबत आ गई है शहर में। कौन सी मुसीबत? डिस्ट्रॉयर शहर में घुस आया है। क्या बात कर रहा है? पर उसे तो तुम्हारे पापा ने बनाया था ना? बनाया तो मेरे पापा ने था, पर लॉकी ने उसे भेजा है ताकि वो यहाँ पर राज कर सके। हाँ मैं तो भूल ही गया, लॉकी भी तो राजा है। ये अलग ही मुसीबत है, अभी जाके उसको रोकना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाते गाइस, पता नहीं कहाँ पर होगा। मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। ये लो, कोई नहीं बचेगा, सबको जला के खाक कर दूंगा। तुम भी लो, काफी कमजोर लोग है ये तो। जाता कहाँ पर है? रुक, ये ले। मूर्ख प्राणी, कोई है यहाँ पर जो मुझसे टक्कर ले सके? गाइस यार पता नहीं कहाँ पर है वो डिस्ट्रॉयर। ये रहा, अब जाके इसको मजा चखाते। रुक जा वहीं पे। तुम कौन हो बच्चे? तेरा बाप। ये क्या बोल रहे हो बदतमीज? थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। बराबर आएगा। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सेम टू यू, मैं भी तेरे को सबक सिखाने आया हूँ। ऐसी बात है तो ये लो। अबे इतनी घाई थी क्या? ये ले। अब ये भी ले। अरे भाई साहब, अब ये गया। क्या गिरा है? अबे छोड़ मेरे को। ऐसे छोड़ने नहीं बोला था, इसको जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा गाइस, ये तो भारी पड़ रहा है। अब ये ले। अबे बच कैसे गया? अचानक ही मार दिया गाइस। ओ भाई साहब, ये तो थोड़ा भी वेट नहीं कर रहा है, तो हम भी वेट नहीं करेंगे। एक बार वापस से। ये ले। बार बार थोड़ी ना चुकूंगा। अरे भाई साहब क्या लगी है गाइस? अबे हथौड़ा कहाँ पर गया? जल्दी से आ। गए गए। ओ भाई साहब, हथौड़े ने धोखा दे दिया गाइस। अबे रुकेगा कि नहीं है? जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ओहो अब गया ये। ये ले और ये भी खा। और अब ये ले। अब तेरे को तेरी नानी याद दिलाता हूँ, कब से बच्चे को मार रहा है, शर्म नहीं आती। ये ले और अब ये गया। और ये वापस ले। जला डाला ना मुझसे पंगा लेने चला था, मुझसे लाउड डूट से। गाइस यार एक बार कमेंट में लिख दो लाउड डूट ओपी। चलो इसको तो ठिकाने लगा दिया है कुछ सालों बाद। गाइस यार देखते देखते मैं कितना बड़ा हो गया, पर अभी तक हमने वो काम नहीं किया जिसके लिए हम लोग आए थे। वैसे गाइस काफी दिन हो गए, थोर से बात भी नहीं हुई। एक काम करता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ। कैसे लोग है, कहीं पर भी सो जाते। अबे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि थोर ने फोन नहीं उठाया। गाइस यार मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, एक काम करता हूँ पोर्टल खोल के थोर से मिल के आ जाता हूँ, पर उसके लिए पहले थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग डर जाएंगे। जल्दी जल्दी जाता हूँ, अब यहीं पर खोलते हैं। चलो पोर्टल तो खुल गया, अब जल्दी से जाता हूँ। पता नहीं थोर क्या कर रहा होगा, कहीं बीमार बीमार तो नहीं है? एसगार्ड कितना प्यारा है ना गाइस। थोर कहाँ पर है तू? यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तो हेला है। पता नहीं ये ईविल बनी भी है कि नहीं, इससे पूछता हूँ। बच्चा तुम कौन हो? मैं थोर का दोस्त। थोर कहाँ पर है? थोर तो कब का मर गया। क्या कैसे? उसको हार्ट अटैक आया था। थोर को हार्ट अटैक? गाइस ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं फ्यूचर से आया हूँ, तब तो थोर वापस जिंदा है। तो फिर इतना समझ लो कि फ्यूचर बदल गया। कहीं मेरे वजह से तो नहीं हो रहा है? मेरे पास्ट में आने की वजह से फ्यूचर पे तो फर्क नहीं पड़ा। किसी और से पूछ के देखता हूँ, कंफर्मेशन जरूरी है, इसका तो भरोसा भी नहीं कर सकते। कोई है और यहाँ पर? कोई होगा गाइस, ये तो ओडिन का कमरा है ना। ओ भाई साहब ये क्या देख लिया, छी इतने खुले में कौन करता है? बच्चा तुम कौन हो? अरे मैं थोर का दोस्त हूँ, थोर को ढूंढने आया था। और चरू को अभी आता हूँ, अब बोलो क्या बात हो गई? आपको पता है थोर कहाँ पर है? वो तो कब का मर चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे क्या समझ नहीं आ रहा? एक मिनट, ये तो ओडिन नहीं है। ये ले। तुम कौन हो सच सच बताओ? अरे मैं लॉकी हूँ, रुक जाओ। थोर कहाँ पर है? वो एसगार्ड में ही है, हेला ने उसे कैद करके रखा है। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं, मुझे पता था थोर जिंदा है, इन लोगों को तो कैद करके रखा हुआ है, जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा हुआ बच्चे तुम आ गए, हमारी हालत बहुत खराब है। वो तो दिख ही रहा है। जल्दी से चीज को तोड़ो, इसे अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा ऐसी बात है, अभी तोड़ता हूँ। कहा गया हैमर? ये रहा। गाइस पूरी ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये ले और अब ये लो। टूटा टूटा, एक और बार। चलो फाइनली तोड़ दिया। पर ये सब हुआ कैसे? हेला ने हम दोनों को कैद कर लिया, उसे कैसे भी हराना पड़ेगा। पर उसको हराएंगे कैसे, वो तो बहुत ताकतवर है और फिलहाल यहाँ की रानी बनी हुई है। हमें एसगार्ड को खत्म करना पड़ेगा, यही
ही एक रास्ता है, एसगार्ड से उसे पावर मिलती है। अगर एसगार्ड ही नहीं रहेगा तो उसकी सारी ताकतें कम हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम दोनों यहीं पे रुको। सॉरी रुको मत, चले जाओ क्योंकि मैं इस जगह को बर्बाद करने वाला हूँ। गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, आज तो हेला को मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर गई, कहाँ पर गई? ये रही। नाचो नाचो नचनियो, थोड़ी देर में पुंगी बजेगी तुम्हारी। बच्चा तुम वापस आ गए। हेला तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ नहीं तो मारी जाओगी। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं एक बच्चे से डरूं? गाइस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, आप लोग भी जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे बहुत सारी पावर मिले। आज तो ये गई। ओ भाई साहब, अभी मरी नहीं होगी गाइस, पर बेहोश जरूर हो गई होगी। तब तक अपन लोग एसगार्ड को बर्बाद कर देते हैं ताकि इसके पास कभी पावर आ ही ना पाए। थोड़ा सा तूफान पैदा करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ तो भूचाल आ गया भाई, पता नहीं एसगार्ड को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, पर इसको तोड़ने में बहुत मजा आ रहा है मेरे को। जल्दी 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 जल्दी, किसी कीमती चीज को तोड़ने का मजा ही कुछ और है। और अब अपना फाइनल टच देते हैं, ये लो। ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया भाई, इसका तो धाम धूम हो गया। अबे हेला कहाँ से आ गई, अभी तक मरी नहीं है। अचानक से आके पेल दिया भाई, इसको अभी के अभी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी इसके आधे से ज्यादा पावर तो चली गई होगी। अभी भी एसगार्ड पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। अब ये ले, और ये भी खा, तू कभी यहाँ पर राज नहीं कर पाएगी, आज थॉर की ट्रेनिंग काम आएगी गाइस। ये ले। अरे भाई साहब, बच्चा बच्चा बच्चा, क्या धोबी पछाड़ दिया है। अबे कितना नीचे जाऊंगा, और रुक जा रुक जा रुक जा, बच गए। अबे यार इतनी गंदी बात थी, पर इसकी सजा इसको मिलेगी, उसके लिए पहले ही अपने को छोड़े सही। अब ये ले, और ये भी ले, और ये खा। गाइस ये कमजोर पड़ने लगी है, अब इसको मजा चकाते। ये ले, अपने पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकर भी है। और अब ये ले, अब इसकी हालत टाइट हो जानी चाहिए। अबे ये तो मर गई। गाइस यार मैंने कमाल कर दिया, सॉरी हमने कमाल कर दिया। चलो फाइनली वो काम पूरा हुआ जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अब जल्दी से थॉर के पास जाता हूँ, थॉर काफी खुश होगा, शाबाशी देगा। वाह फ्रैंकलिन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आपने अपनी शक्ल के हिसाब से काफी बड़ा काम कर दिया। अबे तारीफ कर रहा है कि मजाक उड़ा रहा है? मजाक, हाँ समझ गया, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाके चेक करो हमारे दूसरे चैनल द रियल डूड को, क्योंकि उसमें भी काफी अमेजिंग वीडियो आती रहती है। तो जल्दी से जाओ, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।